हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है अभिषेक साहू। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस इतनी सी बात आपसे कहना चाहूँगा कि आज हम गैल्वेनोमीटर डिस्कस करेंगे और गैल्वेनोमीटर की हर बात आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, गैल्वेनोमीटर कितना शानदार, इतना बढ़िया डिवाइस होता है जो कि हमें बताता है कि किसी सर्किट के अंदर करंट प्रेजेंट है या नहीं। इसका मतलब है ये करंट को डिटेक्ट करता है, ये करंट का पता लगाता है कि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। हमारा क्वेश्चन है कि करंट को डिटेक्ट ही करता है या फिर ये भी बता सकता है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो हमारा आंसर है बिल्कुल बता सकता है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये करंट को मेजर भी कर सकता है। तो इट इज़ ए करंट डिटेक्टिंग डिवाइस एज वेल एज ए करंट मेजरिंग डिवाइस। लेकिन ये बहुत छोटा करंट मेजर कर सकता है। चलिए, तो कितना छोटा करंट ये मेजर कर सकता है ये बताइए। तो हमारा आंसर है कि ये 10^-3 एम्पियर का करंट, यानी कि मिली एम्पियर करंट मेजर कर सकता है, या फिर 10^-6 एम्पियर यानी कि माइक्रो एम्पियर करंट मेजर कर सकता है। यहाँ तक कि ये 10^-8 एम्पियर इतना छोटा करंट भी मेजर कर सकता है। समझ रहे हो ना, इतना छोटा करंट भी मेजर कर सकता है। तो बोला इतना छोटे करंट मेजर करने की जरूरत कब पड़ती है? तो हमारा आंसर है कि जब हमने वीट स्टोन ब्रिज पढ़ा था तो हमें बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी थी क्या? हमें बैलेंस पॉइंट ढूंढा था कि किस पॉइंट पर रख रहे हैं और करंट फ्लो नहीं कर रहा सर्किट के अंदर, तो हमने बोला कि हमें बैलेंस पॉइंट मिल गया। चलिए इसको छोड़िए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप फिजिक्स का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आप क्लेम करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा करने से हम इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी बात को कोई मानने को तैयार नहीं, समझ रहे हो। तो आपने क्या किया, आपने वो एक्सपेरिमेंट किया, इलेक्ट्रिसिटी बनी, लेकिन आपको खुद को पता नहीं पड़ पाया किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बन गई। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम अमाउंट में बनी थी, करंट बहुत कम अमाउंट फ्लो हुआ था, आप उसको सेंस भी नहीं कर पाए। कोई भी बल्ब, कोई भी LED, कोई भी छोटा सा काम आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला नहीं हुआ। लेकिन यदि आपने गैल्वेनोमीटर वहां पर कनेक्ट किया तो गैल्वेनोमीटर इतना सेंसिटिव होता है कि आपको बता देगा कि 10^-8 एम्पियर भी अगर करंट बना है तो आपको बता देगा कि हाँ भाई, इसके अंदर करंट बना है। तो हम बोल सकते हैं कि इतना छोटा करंट मेजर करने की भी हमें ज़रूरत पड़ती है, और इस कंडीशन में कोई और डिवाइस आपके काम नहीं आता। गैल्वेनोमीटर बहुत ज़्यादा काम का और कमाल का डिवाइस है, इसलिए मैं कहता हूँ, क्लियर है। तो ये चीज़ तो आपको पता पड़ गई कि इसका इंट्रोडक्शन ऐसा है, तो उसका प्रिंसिपल कैसा है, किस प्रिंसिपल पर, किस कॉन्सेप्ट पर ये काम करता है। तो उससे पहले हमने एक वीडियो की हुई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, हमने पढ़ा हुआ था। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू करें तो आप तो भी आपको समझ में आएगा। गैल्वेनोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जब भी कोई एक रेक्टेंगुलर कॉइल, ये करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक टॉर्क लगाती है। टॉर्क मतलब कोई ट्विस्टिंग फोर्स लगाती है, और इस ट्विस्टिंग फोर्स के कारण, उस टॉर्क के कारण से क्या होता है, वो कॉइल रोटेट करने लगती है, वो कॉइल घूमने लगती है, और उस कॉइल के घूमने के हम बता सकते हैं कि कितना यहाँ पर करंट हुआ, कितना करंट है सर्किट के अंदर। क्लियर है ना मेरी बात? अच्छा, तो कितना करंट है ये हम बताएंगे, लेकिन इसके लिए हमें ज़रूरी क्या है, इसके लिए हमें इसकी कंस्ट्रक्शन को समझना, इसकी वर्किंग को समझना, किस तरह से ये काम करता है और कैसा दिखता है, तो इन सारी बातों को समझेंगे। लेकिन इसके पहले एक छोटा सा ले डायग्राम के थ्रू हम इस चीज़ को मतलब समझते हैं कि लेवल डायग्राम के थ्रू कि किस तरह का होता है। ओके, तो डायग्राम तो हम बनाएंगे, लेकिन पहले क्या करते हैं कि गैल्वेनोमीटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और एक होता है मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, है ना। हमें पढ़ना है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसा होता है, बिकॉज यही जो गैल्वेनोमीटर है वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दो टाइप के होते हैं, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर और पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, और आज हम दोनों को डिस्कस करने वाले हैं, दोनों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, आराम से इसका डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के बाद तरीके से इसको समझेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि डायग्राम भी आपके साथ ही बनाऊँ और डायग्राम आप साथ साथ में समझते चलें, सो दैट आपको क्या होगा भाई, हम चाहें तो इमेज भी तो लगा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इमेज ना लगाऊँ और डायग्राम आपके साथ साथ बनाऊँ और आप इसको साथ साथ समझें, क्लियर है। तो देखिए, गैल्वेनोमीटर में एक जो चीज़ समझने की ज़रूरत होती है वो ये होती है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर, सबसे अंदर एक आयरन कोर होती है। देखिए फ्रेंड्स, किस चीज़ का क्या क्या काम है, मैं सारी चीज़ें आपको एकदम डिटेल में बताऊँगा। तो पहले आप इस डायग्राम को समझें, ये एक आयरन की कोर है। आयरन की कोर का मतलब है कि एक आयरन का पीस है और ये सॉफ्ट आयरन है, कह रहे तो हमने बना दिया, ये सॉलिड है ऑब्वियसली, ठीक। तो ये हमने बना दिया, ये एक सॉफ्ट आयरन का कोर है, ठीक है। इसके ऊपर एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब है जैसे एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम की एक फ्रेम होती है, ठीक है। तो हम ये एक फ्रेम बना देते हैं और ये फ्रेम इस सॉफ्ट आयरन कोर के कॉन्टैक्ट में नहीं होती, ठीक है।
इस फ्रेम के ऊपर कनेक्ट होती है, या फिर मैं कहूँ इस फ्रेम के ऊपर वाउंड होती है कॉपर कॉइल। ठीक है, तो कॉपर कॉइल देखिए आपको पता है कि भाई कॉइल अगर हम बांधेंगे इसके ऊपर तो उसके दो एंड होंगे ना, दो किनारे होंगे ना, तो एक एंड इसका ये रहा और इसको हमने इस तरह से रैप करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये हमने काफ़ी सारे टर्न्स इस पर लगा दिए। चलिए, तो ये हमने इस तरह से कर दिया। ठीक है, तो देखो ये अपनी कॉपर कॉइल का एक एंड ये रहा और एक एंड ये रहा। ठीक है, अब ज़रूरी है ना कि करंट आए गैल्वेनोमीटर में तभी तो डिटेक्ट करेगा ये। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि भाई ये हमारी सॉफ्ट आयरन कोर है, इसके ऊपर एल्यूमिनियम की फ्रेम है और फ्रेम के ऊपर ये अपनी कॉपर कॉइल वाउंड है। इसके बाद यहाँ पर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, या फिर मैं कहूँ ये पूरा अरेंजमेंट है, ये दो सिलेंड्रिकल मैग्नेट के बीच में रखा होता है, जिसको हमने नाम दे दिया एक नॉर्थ पोल, या फिर मैं कहूँ दो पोल्स के बीच में रखी होती है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल। इसके बाद क्या होगा, देखिए इस कॉइल का एक एंड कनेक्ट होता है एक फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर से। किस वायर से? फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर से। यही वायर क्यों यूज़ करते हैं, इसका आंसर आपको देंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए। ठीक है, ये एक कॉइल का एक एंड ऊपर कनेक्ट है फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर से, यहाँ पर लगा हुआ है एक कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये लगा हुआ है कॉनकेव मिरर, हम सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर को पढ़ रहे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो वायर कनेक्ट है फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर, ये यहाँ पर आते हैं और ये यहाँ पर एक टर्मिनल से कनेक्ट होगा, इसको हमने नाम दिया टर्मिनल T1। क्लियर है, हमने इसको नाम दिया टर्मिनल T1। चलिए, ओके ये आ गया। ठीक है, स्लो बना रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को आसानी से देख पाएँ, समझ पाएँ। ओके, इसका यहाँ पर एक दूसरा एंड होता है, और किसका? इस कॉइल का, और ये कनेक्ट होता है एक स्प्रिंग से। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ, ये एक स्प्रिंग से कनेक्ट है। ये स्प्रिंग भी फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है, यहाँ पर लगा हुआ है एक स्क्रू। ठीक है, इस स्क्रू से ये कसी हुई होती है, यानी कि टाइट होती है, और यहाँ पर इस स्क्रू के थ्रू एक कंडक्टिंग वायर यहाँ पर आता है, और ये यहाँ पर आप कहेंगे किस तरह से ये इससे भी जुड़ी होती है। ठीक है, तो हम इन दोनों टर्मिनल को नाम देंगे जिनमें वायर्स कनेक्टेड हैं। ये टर्मिनल हो गया T1, चलिए इसको हमने नाम दे दिया T1, और ये टर्मिनल हो गया अपना T2। क्लियर है जवाब? अब देखिए करंट यहाँ से आता है, करंट यहाँ से आता है और यहाँ से आते हुए इस तरह से यहाँ पे इस तरह से घूमता है, मतलब अपने साइकिल को पूरा करता है। ठीक है, जबकि करंट यहाँ से आता है और यहाँ से लीव करता है, मतलब करंट यहाँ से आएगा और साइकिल को पूरी करके यहाँ से फॉस्फर ब्रांच स्प्रिंग के थ्रू आगे बढ़ जाएगा। किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसके लिए इसको एक एयर प्रूफ कंटेनर में, या फिर मैं कह दूं कि एक एयर प्रूफ इसको बनाया जाता है ना, क्योंकि एयर के कारण से कोई डिस्टरबेंस ना हो, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, इसके लिए हमने इसको फ्रेम में बंद कर दिया। चलिए जी, ठीक है, और यहां से इसको हम बोलते हैं टॉर्जन हेड। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं टॉर्जन हेड। ठीक, तो ये रहा अपना इस तरह से, है ना, दो टर्मिनल्स को हमने बाहर रखा ताकि हम इसी से तो कनेक्ट करेंगे, एक वायर यहाँ लगाएंगे एक वायर वहाँ लगाएंगे, तो इसलिए हमने दोनों टर्मिनल्स को बाहर रखा है। इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं बेस के ऊपर, है ना, और बेस का मतलब क्या है कि इस पर पूरा अरेंजमेंट रखा होता है, और यहाँ पर हमने एक स्क्रू लगा दिया जिनको हम बोलते हैं लेबलिंग स्क्रू, जिसकी हेल्प से हम इसको लेबल कर सकते हैं कि भाई ये लेबल में है या नहीं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अपना स्ट्रक्चर किस चीज़ का, अपना सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर का। अब देखिए एक बार फिर हम रिवाइज करते हैं कि सबसे अंदर क्या, सबसे अंदर है सॉफ्ट आयरन की एक कोर, यानी कि सॉफ्ट आयरन का एक पीस, उसके ऊपर है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की, यानी कि एल्यूमिनियम की फ्रेम, उसके ऊपर कसी हुई है, या फिर मैं कहूँ वाउंड है, बंधी हुई है एक कॉपर की कॉइल, कॉपर के अपर एंड से कनेक्टेड है फॉस्फर ब्रॉन्ज का वायर, बीच में लगा हुआ मैग्नेटिक जो अपना बीच में लगा हुआ है मिरर, ऊपर जाता है टॉर्जन हेड से कनेक्ट होता है फॉस्फर ब्रॉन्ज का वायर, उस टॉर्जन हेड से क्या होता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो टर्मिनल T1 से कनेक्ट होता है, इसके साथ क्या होता है, अच्छा जी सॉरी, हाँ ठीक ये अपनी फ्रेम है, और यहाँ पर स्प्रिंग का वायर आप देखेंगे किससे कनेक्ट है, T2 से कनेक्ट है। ठीक है, तो स्प्रिंग का वायर कहाँ गया, स्प्रिंग का वायर ये है अपना, स्प्रिंग का वायर इससे कनेक्ट हो रहा है, जबकि ये अपना जो फ्रेम है, फ्रेम इस तरह से आप निकाल लें, ये जा रही है ऊपर से फ्रेम। ठीक है, चलिए
ठीक है, फाइबर वगैरह की ये हम बना सकते हैं। ओके, अब देखो अब कंडीशन क्या है, अब कंडीशन फ्रेंड्स ये बनती है कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको समझाइए कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर को। ये कोर हमने, ये आयरन का पीस हमने क्यों लिया, तो धीरे धीरे मेरी बात को समझना। देखिए सॉफ्ट आयरन एक ऐसा मटेरियल है जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करते हैं। मान लीजिए ये सॉफ्ट आयरन रखा हुआ है और यहाँ से पास से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, तो सॉफ्ट आयरन क्या करता है, इस मैग्नेटिक फील्ड का लाइन को इतना सपोर्ट करता है, या फिर मैं करूँ क्या कहूँ कि मैग्नेटिक फील्ड को इतना सपोर्ट करता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर से ना जाते हुए इसके अंदर से चली जाती है। यानी कि सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक फील्ड को पूरी तरह से सपोर्ट करता है, पूरी तरह से अट्रैक्ट करता है, यानी कि इसकी इंटेंसिटी को भी बढ़ा देता है। तो इसलिए हमने सॉफ्ट आयरन का यूज़ किया, पहली चीज। दूसरी चीज़ अब आपसे कही जाती है कि सॉफ्ट आयरन चलो ले लिया हमने और उसका काम क्या है, तो उसका काम है मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाना। रेडियल क्या होती है, किस तरह से होती है, क्या इसका यूज़ होता है, सारी बातें समझते हैं। चलिए, तो सॉफ्ट आयरन आप समझ गए, सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है, इसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को भी ये बढ़ा देता है। ओके, इसके ऊपर से हमने एक येलो कलर से जो दिखाई हुई है वो होती है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि एल्यूमिनियम की जो अपनी फ्रेम है। इसका काम नॉन मैग्नेटिक क्यों ली गई, तो नॉन मैग्नेटिक इसलिए ली गई ताकि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण से इस पर कोई एक्स्ट्रा जो होगा फोर्स वगैरह नहीं लगेगा। ठीक है, जो भी टॉर्क होगा वो करंट के कारण होगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड जिस पर लगाएगी। ओके, तो देखो इसके बाद होता है कॉपर कॉयल तो वाउंड करनी पड़ेंगे हमें, लेकिन ऊपर आते हैं तो ये फॉस्फर ब्रॉन्ज का वायर क्यों लगा होता है ये जानते हैं पहले। अच्छा, तो हम पहले बात करते हैं कि भाई ये जो हमारी जो पोल है मैग्नेट के वो सिलेंड्रिकल क्यों है। तो देखिए, मान लीजिए अगर बीच में ये सॉफ्ट आयरन का एक कोर रखा हुआ है, ये रखा है कोर, हमने एक टॉप व्यू आपको दिखा रहे हैं ऊपर से देखने पर, और यहाँ पर सिलेंड्रिकल मैग्नेट के रखे होने से क्या होता है, ये सिलेंड्रिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये जो मटेरियल है अपना फेरोमैग्नेटिक है, तो अगर ये लाइन सीधी भी जा रही होगी तो इसको खुद के लिए खुद में ये बुलाएगा, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये भी वापस जाएगी तो इसको ऐसे बाहर निकाल देगा। ये इस तरह से गई और यहाँ से इस तरह से आ गई, ये लाइन जो बाहर जाने वाली थी सीधी, इसको इस तरह से निकाल के और ये इस तरह से आ गया। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, ये सॉफ्ट आयरन है मैग्नेटिक फील्ड को गोल घुमाव वाली बना रहा है, यानी कि रेडियल बना रहा है, समझ रहे हो। तो उस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या होता है, ये काफ़ी पास पास में होते हैं तो ऊपर से लाइन आने वाली भी ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक, तो उस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या होता है, तो उस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का काम फ्रेंड्स ये होता है कि मान लीजिए यदि ये हमारी जो कॉयल है वो कुछ इस तरह से है, है ना, ये कॉयल है, कॉयल यदि इस तरह से घूम रही है, ठीक, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला हमने निकाला था वो ये था, टॉर्क इज इक्वल टू अपना एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो टॉर्क अपना जो मैक्सिमम होगा वो कब होगा, जब होगा जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो, तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, हमारा आंसर है 90 डिग्री पर। और 90 डिग्री कब बनेगा, 90 डिग्री किस किस के बीच में होता है, तो 90 डिग्री होता है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर ऑफ कॉइल, ठीक है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए जैसे मान लीजिए क्या होता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या होता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इसलिए बनाई जाती है, रेडियल मतलब ये गोल, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इसलिए बनाई जाती है कि कॉयल कैसे भी घूमे, ऐसे घूमे ऐसे घूमे ऐसे घूमे, कॉयल ऐसे घूमे ऐसे घूमे ऐसे घूमे, कैसे भी घूमे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होंगी इस कॉयल के हमेशा पैरेलल होने वाली हैं। अगर ये ऐसे भी हो जाए तब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होंगे, इस कॉयल के पैरेलल होगी, है ना, चाहे कैसे भी हो जाए, ये ऊपर से भी कवर होती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाते हैं। ठीक, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन मान लीजिए कि पैरेलल है, मान लो ऐसे है, ठीक है, कॉयल अभी ऐसे है, ठीक, तो ये कॉयल का जो प्लेन होगा, कॉयल का प्लेन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये कॉयल का प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ऐसे जा रही है। ठीक है, तो एरिया वेक्टर इस पर ये रहा और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये रही, तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो जब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो जो टॉर्क लगता है हमेशा मैक्सिमम लगता है, तो बस यही तो हम चाहते हैं कि इस कॉयल पर जो टॉर्क लगे मैक्सिमम लगे और ये कॉयल आसानी से घूम सके। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गया रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो आपको डायग्राम भी बनाना होगा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो आप क्या करें, इस तरह का डायग्राम बना लें, ठीक है, और इसमें आप दिखा दें कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है। ठीक है, अगर आप अंदर का पोर्शन भी दिखाना चाहें तो अंदर का पोर्शन भी दिखा दें, अदरवाइज यहाँ का भी दिखाएंगे तो आपका काम चल जाएगा। छोटा डायग्राम बना दिया थोड़ा सा, आप बड़ा कर लेना इसको, क्लियर है। ओके, आप यहाँ पे दिखा दें। ओके, ठीक, इसके बाद
इसके बाद बात यह आती है कि जो ये जो हमने वायर यूज़ किया है, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज का वायर ही क्यों यूज़ किया, कोई और मटेरियल नहीं मिला गया? तो हमारा आंसर है कि ये फॉस्फर ब्रॉन्ज का वायर होता है, इसका टॉर्जनल कॉन्स्टेंट, एक बार मैं लिख देता हूँ इसको, टॉर्जनल कॉन्स्टेंट काफ़ी ज़्यादा लो होता है। टॉर्जनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा लो होती है। अभी टॉर्जनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू से हम क्या समझते हैं? तो फ्रेंड्स, टॉर्जनल कॉन्स्टेंट लो होने का मतलब यह है कि यदि इसके अंदर थोड़ा सा भी अमाउंट का करंट गया, थोड़ा सा भी अमाउंट का करंट गया, तो ये एक ज़्यादा एंगल से घूमेगी। समझ रहे हो? इसका मतलब जरा सा भी एंगल, जरा सा भी करंट इसमें फ्लो हुआ, ये तुरंत ये डिफ्लेक्ट करने लगी, मतलब ये तुरंत घूमने लगी। और जब ये कॉइल घूमने लगेगी, ये इसका मतलब है, मैं आपसे एक बार फिर कह दूं, टॉर्जनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू का मतलब ये है कि यदि इस करंट, इस वायर के अंदर थोड़ा भी करंट गया ना, थोड़ा भी करंट गया, तो ये मुड़ने लगेगा, ऐसे ऐसे मुड़ने लगेगा, इस पर इस तरह से ऐसे घूमने लगेगा। तो यही तो हम चाहते थे कि थोड़ा सा करंट जाए और ये अपने आप एक्टिवेट हो जाए। तो इसलिए हमने क्या किया कि लो टॉर्जनल कॉन्स्टेंट वाले वायर को यूज़ किया, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। ठीक है, ये जो स्प्रिंग है वो भी फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर की है। ठीक, तो देखिए, अब जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, हमने ऐसा किया कि भाई इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो कराया, यहाँ से करंट आया ऊपर से, और ये करंट ऐसे होते हुए आखिरी टर्न पे जब पहुँचेगा, यहाँ से आते हुए ये स्प्रिंग से ये यहाँ पे टर्मिनल T2 पर जाएगा। ठीक, तो जब इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा, जब इस सर्किट के अंदर करंट आएगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, जिनका जो कैसे हो जाएंगे, रेडियल हो जाएंगे, जिसके कारण से प्लेन के साथ जो एंगल बनेगा वो जीरो होगा, या फिर मैं कहूँ यहाँ पे जो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल होगा 90 डिग्री होगा, टॉर्क लगेगा मैक्सिमम। एक बार फिर सुनिए, करंट इसमें फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसमें बनेगी, तो क्या होगा भाई, इस पर टॉर्क लगेगा। ठीक, अब टॉर्क लगेगा तो क्या होगा, ये कॉइल घूमेगी, साथ में वायर भी घूमेगा। जब ये कॉइल घूमेगी तो इसके साथ साथ क्या होगा, स्प्रिंग बंधी हुई है ना, तो ये स्प्रिंग भी घूमेगी। लेकिन आप जानते हो कि स्प्रिंग, अगर आप स्प्रिंग को घुमा रहे हो, मेरे हाथ को आप घुमाते चले जाओ, तो क्या ये मेरा हाथ वापस आने की कोशिश नहीं करेगा? करेगा, है ना। तो इसी तरह से अगर आप स्प्रिंग को घुमा रहे हो तो ये स्प्रिंग वापस आने की कोशिश करेगी। ये करंट और मैग्नेटिक फील्ड मिलकर के इस पर क्या कर रहे हैं, ये टॉर्क लगा रहे हैं, ये ऐसे टॉर्क लगा रहे हैं, जबकि स्प्रिंग भी साथ में घूम रही है, तो स्प्रिंग इसको वापस आने की कोशिश करेगी। यानी कि ये टॉर्क लगाएंगे और ये एंटी टॉर्क लगाएंगे। कौन लगाएगा एंटी टॉर्क? एंटी टॉर्क लगाएगी स्प्रिंग। तो हम क्या बोलेंगे कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कौन सा है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मतलब है कि इस कॉइल को डिफ्लेक्ट कौन करा रहा है ना, मतलब इस पर टॉर्क कौन लगा रहा है। देन हमारा आंसर है कि जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा रहे हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा रही है, मतलब इसको घुमा रही है, जबकि ये जो स्प्रिंग है वो एंटी टॉर्क लगा रही है, यानी कि इसको वापस अपनी पोजीशन में लाने की कोशिश कर रही है। तो बस यही चीज़ हम कहेंगे, बोले बैलेंस की कंडीशन में कब आ जाएंगे, ये बैलेंस की कंडीशन में जब आ जाएंगे, जब इसके द्वारा लगाया गया टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगाया गया टॉर्क और स्प्रिंग के द्वारा लगाई गई एंटी टॉर्क बराबर हो जाएंगे, तो ये कहाँ आ जाएंगे, ये अपने बैलेंसिंग की कंडीशन में, यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएंगे, और वहाँ पर ये हमें रीडिंग शो कर देगा। ठीक है, जब ये घूमने रुक जाएगा तो रीडिंग शो कर देगा। अच्छा, ठीक, तो मैं आपको इस चीज़ की थ्योरी पर आगे ले जाता हूँ, लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉन्केव मिरर का यूज़ यहाँ पर क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब ये कॉइल घूमती है, ठीक है, जब ये कॉइल घूमती है तो यहाँ पर क्या होता है कि इस तरह से हम अरेंजमेंट भी करते हैं कि यहाँ पर एक लैंप होता है, लैंप, ठीक है, इस लैंप से क्या किया जाता है, इस पर रोशनी डाली जाती है। ठीक है, कॉन्केव मिरर का मतलब है छोटी चीज़ों को बढ़ा करके दिखाना। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि रीडिंग के लिए यहाँ पर कुछ नंबर वगैरह या स्केल लिखी होती हैं, जिस पर वैल्यूज़ लिखी होती हैं। तो ये जितना घूमेगा इस लैंप पर, इस लैंप की हेल्प से इस कॉन्केव मिरर पर रोशनी पड़ेगी, और रोशनी से हमें बता देगा कि यहाँ पर क्या है, इसमें कितनी रीडिंग आई हुई है। ठीक है, तो इस तरह का इसकी प्रोसेसिंग है। लेकिन इसके बाद इसकी थ्योरी जान लेते हैं कि थ्योरी किस तरह से काम करेगी। ठीक, तो हमने क्या कहा कि भाई जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर इस तरह से घूमा, और घूमने के बाद रुकेगा ना, बोला इतना करंट है इसके अंदर, क्या ना, ये घूमने के बाद इतना रुका, तो रुकेगा कब, जब टॉर्क और एंटी टॉर्क की वैल्यू बराबर हो जाएगी। समझ, जैसे मान लीजिए ये ऐसे घूमे और ये घूमने के बाद बोला ऐसे रुक गई, ऐसे क्यों रुक गई, क्योंकि ना तो इस पर और ज़्यादा ऐसे फोर्स लग रहा है और ना ही उस पर और ज़्यादा ऐसे फोर्स लग रहा है। तो हम ये कहेंगे कि जब ये रुक जाएगी, यानी कि इक्विलिब्रियम एक पोजीशन में आ जाएगी, तो उस पर लगने वाले टॉर्क एंड एंटी टॉर्क क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, यानी कि इसको घुमाने वाला जो टॉर्क होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू
अपना जो कौन सा टॉर्क है भाई, एंटी टॉर्क। एंटी टॉर्क कौन लगाएगा? स्प्रिंग लगाएगी, ठीक है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है एन आई ए बी और एंटी टॉर्क होता है के इंटू फाई, ठीक है। के का मतलब है यहाँ पर टॉर्जनल कॉन्स्टेंट और फाई का मतलब है कितने एंगल फाई ये घूमा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर मैं किसकी वैल्यू लेना चाहता हूँ, यदि मैं वैल्यू लेना चाहता हूँ आई की, ठीक है, तो यदि मैं आई की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, के अपॉन एन ए बी और यहाँ पर है फाई। तो यदि मैं इस पूरी चीज़ को देखूंगा, क्योंकि अगर मेरा मटेरियल नहीं बदल रहा तो टॉर्जनल कॉन्स्टेंट भी नहीं बदलेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पहले से फिक्स्ड है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी फिक्स है इसका, ठीक है, और अपना जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो भी अपनी फिक्स है ना, क्योंकि अपने पास जो मैग्नेट है वो परमानेंट मैग्नेट हमने यूज़ की हुई है, ठीक। इसके बाद तो इस चीज़ को अगर मैं पूरे कॉन्स्टेंट के तौर पर यूज़ करूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कैपिटल जी, जो कि है हमारा गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट, ठीक है, और ये हो गया फाई। तो यदि मैं कॉन्स्टेंट की जगह यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाऊँ तो मैं लिखूँगा फाई। इसका मतलब है कि कितना करंट फ्लो होगा, जितना करंट फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा इसमें डिफ्लेक्शन होगा, है ना। तो करंट एंड डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक। अच्छा, इतनी बात मेरी समझ पाए, ये इसकी थ्योरी थी। अच्छा, अब अगर हम इस चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में जाने या फिर मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहूँ, तो एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगा कि गैल्वेनोमीटर जो हम पढ़ रहे हैं अभी, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसका काम क्या है, है ना, ये किस तरह का होता है? तो हमारा आंसर है, ये जो सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर है ये पोर्टेबल गैल्वेनोमीटर नहीं होता, है ना, ये पोर्टेबल, ये इसका थोड़ा साइज बड़ा होता है, इसको बार बार क्या करना पड़ता है, इसकी लेबलिंग करनी पड़ती है, इसका मतलब ये कन्वीनियंट नहीं होता। अच्छा, इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि कन्वीनियंट ना होने के साथ साथ यदि इसमें ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट का करंट फ्लो होगा तो इसका टॉर्जनल कॉन्स्टेंट छोटी है ना, तो क्या होगा, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर और ये लटक भी रहा है, ये सस्पेंड कर रही है, क्या कर रही है, सस्पेंड कर रही है, ये जो कॉयल है पूरी से सस्पेंड कर रही है, और यदि ये ज़्यादा घूमेगा तो ये जो वायर है वो टूट जाएगा। तो जो सस्पेंडेड कॉयल गैल्वेनोमीटर होता है वो एक ज़्यादा अमाउंट का करंट फ्लो नहीं करा सकता, करंट को मेज़र नहीं कर सकता है, समझ रहे हो ना, क्यों, अगर ज़्यादा होगा तो भाई ये कॉइल सस्पेंड कर रही है, ज़्यादा वायर घूमेगा तो टूट जाएगी, क्लियर है। क्या आप मेरी इतनी बात समझ पाए क्या? अगर मेरी आप इतनी बात समझ गए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इसको हटाते हैं और जल्दी से दूसरा क्वेश्चन करते हैं, मतलब मैं कहूँगा दूसरा टाइप को समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि हमें अपने पुराने मॉडल में किसी तरह की कन्फ्यूज़न नज़र आती है, किसी तरह की प्रॉब्लम में किसी तरह का डिफेक्ट नज़र आता है, तो हम उस मॉडल को मॉडिफाई करते हैं और उस मॉडिफाइड मॉडल का एक नया नाम दिया जाता है, ठीक। ऐसे ही हुआ सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर के साथ, इसको मॉडिफाई किया गया और एक हमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मिल गया, है ना। सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर एक हमारे पास टाइप तो, यानी कि एक ऑप्शन तो हो ही गया ना, उसने हमें कुछ गलत चीज़ थोड़ी ना मेज़र करके दी, उसने हमें सही चीज़ मेज़र करके दी, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, है ना। क्या प्रॉब्लम, जो मैं आपको डीमेरिट्स बता चुका हूँ कि मतलब उसमें एडजस्टमेंट वगैरह किया जाना चाहिए था, है ना, लेबलिंग वगैरह का पूरा विशेष ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं है, है ना, वो भी सही है और ये भी बहुत अच्छा है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आप कह सकते हो कि उसका एक मॉडिफाइड फॉर्म है, कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है, है ना, कॉइल टॉर्क लगाएगी और स्प्रिंग एंटी टॉर्क लगाएंगे, ठीक। यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर भी क्या किया गया है, यहाँ पर ऐसा किया गया है कि ये हमारे पास एक कोर है जिसके ऊपर कॉइल है, लेकिन यहाँ पर इस बार ऐसा है कि ये जो अपना यहाँ पर अपना जो दो पॉइंट है, ये जो फिक्स है, है ना, इन दोनों पॉइंट्स को पाइवोटेड किया गया, यानी कि फिक्स किया गया है, और यहाँ पर एक हेयर स्प्रिंग है, है ना, इनमें इस तरह से करंट जा रहा है और इस तरह से करंट नीचे आया, ठीक है, कॉइल में, ये कॉइल में करंट ये फ्लो होने लगा, ये करंट में कॉइल फ्लो होने लगा, ठीक है। अब जब करंट में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है जो कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगी, जब इस मैग्नेटिक फील्ड कारण टॉर्क लगेगा, तो इस बार देखिए दो स्प्रिंग है, कितने स्प्रिंग, दो स्प्रिंग, तो जब ये कॉइल घूमेगी तो ये दोनों स्प्रिंग इस पर एंटी टॉर्क लगाएंगे। इक्वेशन वगैरह हमारे सब कुछ सिमिलर है, लेकिन जब ये एंटी टॉर्क लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वापस अपनी पोजीशन पे आने लगेगा, मतलब ये कॉइल इस तरह से घूमी, ठीक है, एंटी टॉर्क ये लगा रही है, इसको वापस लाने की कोशिश कर रही है, तो टॉर्क और एंटी टॉर्क ये रहा, इतना इतना रहा टॉर्क, और अब वापस पे इस पर लगने लगा एंटी टॉर्क। अगर टॉर्क ज़्यादा हुआ तो ऐसे घूम जाएगी, एंटी टॉर्क ज़्यादा हुआ तो ऐसे घूम जाएगी, लेकिन जिस कंडीशन में टॉर्क और एंटी टॉर्क बराबर हो जाएगा उस कंडीशन में ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, और यही हम चाहते हैं। और जब इक्विलिब्रियम में आती है तो उसके साथ एक नीडल कनेक्टेड है, ये नीडल कनेक्टेड है, तो ये नीडल क्या करेगी, ये एक स्केल है इस पर पॉइंट कर जाएगी, तो हमें पता पड़ जाएगा कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है,
यहाँ पर क्या था कि पहले भाई यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई थी, यहाँ पर दो दो हेयर स्प्रिंग लगी हैं जो कि एंटी टॉर्क लगाती हैं, क्लियर है। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर मैं इसका जो है टॉप व्यू देखूँगा तो मुझे कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये हमने एक आयरन कोर बना दिया, ठीक, ये हमारी एक वो अपना कॉइल का प्लेन दिखाई दे रहा है ऊपर से, ठीक, और ये हमारी हेयर स्प्रिंग है जो कि हमें इस तरह से दिखाई दे रही है, ठीक है, और हमने ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाए, क्लियर है क्या इतनी बात। अगर आप इतनी बात समझ पाए तो मेरे हिसाब से आप गैल्वेनोमीटर को बहुत अच्छे से जान चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा, ठीक, ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, कमेंट करके बताएं, ठीक, आपके फीडबैक का, आपके रिस्पांस का मुझे बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार रहता है, बहुत ही वेट करता हूँ आपके बात का कि किस तरह से आपको या फिर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस वीडियो को लेकर के। तो बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स अलॉट फॉर कमिंग अगेन एंड अगेन टू द चैनल।